दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का नाम इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार है। बस इसी का नमूना पेश करते हुए धवन ने आईपीएल 2020 के 34वें मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ तूफानी शतक जड़ दिया। शिखर ने इस मैच में 101 रनों की तेज तर्रार शतकीय पारी के दम पर अपनी टीम को 5 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा शतक के साथ ही गब्बर ने निजी तौर पर भी एक अनोखा कीर्तिमान रच डाला। गब्बर के नाम से जाने जाने वाले धवन ने शारजा के मैदान पर सीएसके के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने 58 गेंदों में 14 चौके और एक छक्के की मदद से 101 रनों की नाबाद पारी खेली, जो कि शिखर के आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी भी है। इसके अलावा चेन्नई के सामने शिखर धवन का ये लाजवाब शतक उनके आईपीएल और टी20 क्रिकेट करियर का पहला शतक रहा। इससे पहले टी20 में गब्बर का बेस्ट स्कोर नाबाद 97 रनों का था, जो उन्होंने आईपीएल 2019 के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाया था। धवन को इस शानदार शतकीय पारी को खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। इस सीजन ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ कि धवन ने 50 से ज्यादा रन बनाए। वैसे इस मैच में धवन को किस्मत का भी खूब साथ मिला। धवन को इस मैच में 3 जीवनदान मिले, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। शिखर धवन को उनकी पारी के दौरान 25, 50 और 75 रनों पर जीवनदान मिला। इसके अलावा जब शिखर 99 रन पर थे तो अंपायर ने उन्हें कैच आउट करार दिया था, लेकिन बाद में DRS की बदौलत गब्बर बाल बाल बचे और उन्होंने अपना शतक पूरा किया। मैच के बाद गब्बर काफी खुश नजर आए। अपने 13 साल के लंबे आईपीएल करियर में पहला शतक लगाने वाले धवन ने इसे काफी खास बताया। उन्होंने कहा कि अपने पहले आईपीएल शतक के लिए वो वास्तव में काफी खुश हैं। आपको बता दें, शारजाह में खेले जा रहे इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 180 रनों का लक्ष्य रखा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में अपने 4 विकेट खोकर 189 रन बनाए। इस विशाल लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट गंवाकर 185 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। चेन्नई की 9 मैचों में ये छठी हार रही। फिलहाल वो अंक तालिका में 6वें नंबर पर है। वहीं दिल्ली 9 में से 7 मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप पर चली गई है। धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब इस सीजन में प्लेऑफ का रास्ता लगभग बंद हो गया। आपको शिखर धवन की आतिशी पारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। Hey!